दोस्तों राजस्थान पटवारी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब फॉर्मों की बारी है एडिट करने की। दोस्तों जिन लोगों ने अपने फॉर्म में कोई गलतियां छोड़ दी थी या गलती से कोई गलती रह गई थी दोस्तों, नाम में, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, वो आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों आपने बोर्ड की वेबसाइट पे पहले ही नोटिस जारी हो चुका होगा, वो देखा होगा। दोस्तों नहीं देखा है तो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। 30 तारीख जुलाई से आप लोगों को 5 अगस्त तक का टाइम दिया जाता है दोस्तों, जिसके बीच में आप ₹300 फीस जमा कराकर संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आपको वही अपनी वापस से SSO ID पे जाना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाना पड़ेगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाने के बाद जहां आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है पटवारी का, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म एडिट का दोस्तों, और एडिट करने से पहले वो आपसे ₹300 की जो फीस है वो वसूलेंगे दोस्तों, और ₹300 की पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म में एक बार एडिट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से करें, क्योंकि दूसरी बार एडिट या तो ₹300 देकर होगा या फिर एडिट का ऑप्शन ही आप लोगों को नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म में यदि कोई गलती रह गई है दोस्तों तो एडिट कर सकते हैं। अब आपको इस वीडियो के अंतर्गत जो जानकारी दी है वो समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।